नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। गुरुवार की सुबह से ही अखंड सुहाग के लिए महिलाओं ने जगह जगह वट वृक्ष पूजा की। नगर निगम के वार्ड नंबर 68 के गायत्री शक्तिपीठ स्थित वट वृक्ष, न्यामतपुर फाड़ी स्थित वट वृक्ष तथा नदी तट स्थित वट वृक्ष के पास जाकर महिलाएं सामूहिक रूप से शास्त्रोक्त विधि विधान से बरगद के पेड़ का पूजा किया और प्रसाद चढ़ाया। मान्यता है कि सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे ही अपने मृत पति के प्राण यमराज से वापस लिए थे। तब से ये प्रथा आज तक चली आ रही है। क्या पूजा आप लोग कर रहे हैं? किस लिए किया जाता है ये पूजा? पति के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या करती हैं आप लोग पूजा के दौरान? जैसे नॉर्मल पूजा होता है वैसे ही होता है, लेकिन इसमें जरूरी पंखा होता है, बर का पेड़ का इसलिए पूजा किया जाता है। बर का पेड़ का पूजा किया जाता है, बर जो पति होते हैं उसके लिए। अच्छा, उनकी लंबी आयु के लिए होता है ये पूजा। किस लिए यहाँ पे पूजा आप लोग किए हैं? पति के लिए। क्या क्या पूजा था? बार पूजा। तो कितने बजे यहाँ पे आए आप लोग पूजा करने? 10 बजे से। सुबह 5 बजे से पूजा हो रहा है यहाँ पर। आपका? मेरा रिंकी जी। रिंकी जी, आज क्या है? आज गौर सावित्री पूजा है। क्यों करते हैं लोग इसे? ये हस्बैंड के लिए करते हैं, लंबी उम्र के लिए। इस कोरोना काल में आप पूजा कर रहे हैं, सरकार द्वारा गाइडलाइन का भी पालन कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे अभी जो स्थिति है उसको लेकर के? बोलेंगे कि सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, और वो जो पूजा है महत्व तो वो भी कीजिए लेकिन सोशल डिस्टेंस बना के। और भगवान से कुछ मन्नत मांगे हैं क्या? कोरोना जल्दी से ठीक हो जाए, जितना भी है ये और क्या है। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 105 शाकुड़िया भांगा बांध बावरीपाड़ा में नगर निगम की ओर से पूर्व उप मेयर शाह प्रशासक बोर्ड की सदस्य तबस्सु मारम ने नारियल फोड़कर सड़क मरम्मती कार्य का आरंभ किया। इस दौरान तबस्सु मारम ने कहा कि निगम अंतर्गत वार्ड नंबर 103, 104, 105 में जहाँ जहाँ नए पाइप लाइन बिछाए गए थे वहाँ का कार्य पूरा हो चुका है। उन वार्डों में सड़क मरम्मती कार्य आरंभ किया गया है ताकि पाइप बिछाने के दौरान जहां जहां रास्ते खराब हो गए थे उन्हें पुनः ठीक किया जा सके। कितना नंबर वार्ड है? वार्ड नंबर 105। कितने लंबा सड़क का निर्माण हो रहा है? वार्ड नंबर 105 में कितना गली का निर्माण किया जाएगा? देखिए, जितना भी गली 105, 104, 103, 102 बल्कि क्वालिटी पूरा 28 वार्ड है, जहाँ जहाँ पानी का पाइप लाइन हाउस कनेक्शन हो चुका है वहाँ वहाँ हम लोग का रेस्टोरेंट रोड का काम आज से ढलाई का काम स्टार्ट हो चुका है। कितने इंच का ढलाई हो रहा है यहाँ पर? 6 इंच का ढलाई सर, आप लोग देख भी रहे अच्छी तरीका से हो रहा है। लंबा सड़क का निर्माण किया जा रहा है? यहाँ पर जितना भी हम लोगों को गली है टोटल 105 से स्टार्ट किया है, भागाबंद भौरी पाड़ा से स्टार्ट किया है, उसी हुआ आपका 12 नंबर से पूरा भागाबंद कम्प्लीट है। जितना गली है जहाँ जहाँ हम लोग का पाइपलाइन का काम हुआ है टोटल कम्प्लीट हो गया। और कुछ भी आज भी कोई वर्ड का कुछ काम वगैरह अभी तो फिलहाल ये जितना भी हम लोग का पाइपलाइन से जो रोड का डैमेज हुआ है उसका कम्प्लीट काम 104, 105, 103 का पूरा कंप्लीट एकदम ढलाई रोड होगा। उसके अलावा हम लोग अपना जो माइटी सेल का पेड में महाराज जी को हम लोग ये दिए हैं, पेपर दिए हैं, मास्टर चैनल दिए हैं, ड्रेन हाई ड्रेन का और सीमेंटेड रोड, न्यू सीमेंटेड रोड। वो कितने नंबर वार्ड में है? वो आपका 105 में भी है, 104 में।
क्या कार्य प्रदर्शन से कहना चाहेंगे आप लोग काम के लिए जो नया ड्रेन और नया सड़क का निर्माण के लिए दिए हैं? हम लोग तो पूरा उम्मीद है, सरकार हम लोग का है, पूरा उम्मीद है कि कॉरपोरेशन से जो काम हो रही है आप लोग भी देख रहे हैं, और काम बहुत अच्छा हो रही है, आप लोग देख रहे हैं ढलाई जितना बात है उतना ही ढलाई हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग तो पूरा कॉरपोरेशन से उम्मीद है कि जो भी काम हम लिए हम लोग न्यू पटिशन दिए हैं कम्प्लीट हो जाएगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अमजद अंसारी, माइटी सर पोल्ट्री ब्लॉक।